HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी एक ओर जहां तेज गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए लोगों के बीच जाकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुड़गांवा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में भाजपा नेता अमित यादव भी डोर टू डोर जाकर लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में भाजपा नेता अमित यादव भी रेवाड़ी में जगह जगह एक पोस्ट नमो के नाम कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से 12 मई को नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। HR न्यूज चैनल से बात करते हुए भाजपा नेताओं का कहना है कि वो मोदी की सेना है और एक बार दोबारा से मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसी को लेकर वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से चल रहा है। हमने ये प्रयास किया है कि हम प्रत्येक जगह इस कार्यक्रम को, रेवाड़ी विधानसभा में इस कार्यक्रम को करवाने का प्रयास करें। अभी हमारे जिले के अंदर बावल और कोसली में भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं। बहुत अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि देश के शासन का जो हमारा जो शासन मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में किया है, उसको हम आगे भी इसको निरंतर बढ़ाते रहें। आज देश जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, वो आगे लगातार बढ़ता रहे। जो पिछले 5 साल में जो नींव बनाई है, उसके ऊपर अब एक अच्छा धरातल जो मजबूत तैयार हो गया है, उसको दोबारा से उसके ऊपर वैभवशाली एक इमारत खड़ा करने का वक्त है। मोदी जी के नाम जो भी पोस्ट कर रहा है, मोदी जी ऐसे बड़े राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा देश बचाने के लिए, सरकार देश बचाने के लिए बनाई, और अगला चुनाव जो अब हो रहा है वो देश को परम वैभव तक ले जाने का चुनाव है, और ये रास्ता जाता है देश को शक्तिशाली भारत, महान भारत, जगत गुरु भारत, वैभवशाली भारत बनाने का। और इस समय पूरे विश्व में जो भारत का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, ये शख्सियत है मोदी जी की, जिनके प्रयास, जिनकी सोच के कारण आज भारत विश्व में बहुत ऊंचे स्तर पर, ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया है। और आगे जो हमारी कामना है, इच्छा के अनुरूप ऐसा काम होने वाला है। लेकिन उसका भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो 2014 की तरह जैसे चाय पे चर्चा हुआ करती थी, उसी तरीके से हमने इसको इवेंट बनाया है। और ये जो हमारी इवेंट है एक पोस्ट नमो के नाम, 90 की 90 विधानसभाओं में चल रहा है और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। जी यादव, आज जो हमने ये प्रोग्राम लेके चले हैं गुड़गांव लोकसभा, रेवाड़ी विधानसभा में, धारोड़ा में ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ाव करना है, ताकि हम सोशल मीडिया पे अपने प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री का मैसेज लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार कर सकें। और आप जैसा माहौल देख रहे हैं धारोड़ा में, बहुत अच्छा माहौल है, पूरे एरिया के लोग यहाँ पे आके मोदी जी के लिए अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। HR न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन रमेश वशिष्ठ के साथ मोहनलाल रेवाड़ी। HR न्यूज यूट्यूब चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।